रायबरेली जिले के महराजगंज तहसील क्षेत्र के मऊ गांव में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी देवघर से दर्शनोपरांत दैतीबम कांवरिया संघ मऊ द्वारा रविवार को चेलहवा ट्वाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ दिन में 10 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक अनवरत चलता रहा। इस भंडारे में लगभग 5000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य की प्राप्ति की तथा रात्रि में रायबरेली की सुप्रसिद्ध जागरण पार्टी द्वारा जगराता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि दैतीबम कांवरिया संघ मऊ द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गांव के प्राचीन शिवालय के प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में दूर दूर से श्रद्धालु आए और प्रसाद ग्रहण किया। इसी कड़ी में क्षेत्र के पूर्व विधायक रामलाल अकेला, महराजगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व मऊ प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी ने भी भंडारे में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य की प्राप्ति की। पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने कहा कि ऐसे भंडारों के आयोजन से ईश्वर क्षेत्र में संपन्नता प्रदान करते हैं। पूजा अर्चना और हवन इत्यादि से वातावरण शुभ होता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस माह में भंडारे का आयोजन करने से प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा पुण्य की प्राप्ति भी होती है। दैतीबम कांवरिया संघ मऊ के अध्यक्ष मुकेश तिवारी ने कहा कि दैतीबम कांवरिया संघ मऊ के पदाधिकारियों द्वारा बाबा धाम से वापस लौटने के बाद प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। रोज़